यो भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और यहाँ पर मजे कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आयुष खान की नई और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज जो है माइकल दादा भाई यहाँ पर एक बॉडीगार्ड की समाये हुए हैं यूनिफॉर्म में, ठीक है दोस्तों। और वो जिमी के लिए यहाँ पर एक कार लेना है जिसका नाम है, ये कौन सी गाड़ी है, निसान GTR, ठीक है। निसान GTR जी में बहुत दिनों से गाड़ी चाहिए, तो बहुत दिनों से गाड़ी मांग रहा। तो भाई माइकल दादा ने खैर फैसला किया, वो उसको ये वाली गाड़ी देने वाले हैं। और आज हम अपने जिमी पुत्र को जो है भैया गाड़ी गिफ्ट करने वाले हैं। अपना सारा पेपर वर्क दोस्तों जो भी होने वाला था वो तो हो गया, ठीक है। अब बस इस गाड़ी को घर लेके जाना बाकी है। TRLs काफ़ी परफेक्टली वर्क कर रहे हैं भाई इसके, ठीक है। ये बैक लाइट है, सही है। बैक पे कोई नहीं लाइट जलती है, और अगर इंडिकेटर्स दिए जाए तो किधर किधर का चलता है। बस एक फ्रंट है, एक ये, ठीक है, सही है। ऐसे गाड़ी तो गाड़ी की अभी डिलीवरी अभी मिली है, ठीक है दोस्तों। और देखने हैं अभी जिमी भाई क्या कहता है। जिमी को दूंगा मैं गाड़ी घर पर ले जाकर, और देखेंगे भाई जिमी को। हल्की हल्की सी लग गई गाड़ी, चलो कोई बात नहीं। जी मेरे को चाहिए थी स्टार्टिंग से ही, और वो मॉडिफिकेशन करवाने की भी सोच रहा था इस गाड़ी की। हाँ मुझे पता चला कि जिमी हमेशा एक ही मांगता था, है तो ऑटोमेटिक पर पावर बहुत है। गियर शिफ्टिंग काफ़ी सही कर रही है दोस्तों गाड़ी, गियर शिफ्टिंग काफ़ी मस्त कर रही है। खैर आप सभी लोगों को क्या लगता है कि जिमी को ये वाली गाड़ी देना सही रहेगा या नहीं, एक बार कॉमेंट बॉक्स में बताना। खैर आज तो मैं देने ही वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। और ट्रेसी के लिए मैं पोर्शा लेकर आया था, और देखते हैं कि भाई जिमी इस गाड़ी को देखकर कहेगा क्या, ठीक है दोस्तों। अभी तो गाड़ी चलने में बहुत ही सही है, मज़ा तो आ रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक गैराज था ना, मैं गैराज परचेज कर लेता उस कार को, खड़ी करके वहाँ पे देख भी लूँगा कि कैसी हो रही है ना गाड़ी, लग कैसी रही है वहाँ पर खड़ी करके, है ना दोस्तों। यहीं पर तो है वो जगह, यहीं पर है दोस्तों जगह वो, ठीक है। मैं यहीं पर सोच रहा था बहुत दिनों से गैराज लेने की, पर आज ही कहीं मौका मिला है मेरे को। चलो 30,000 का है, बस सो चीप। चलो तो 30,000 का गैराज तो गाइस हमने जो है परचेज़ कर लिया है, ठीक है दोस्तों। तो चलो अब इसके अंदर बैठते हैं गाड़ी के अंदर, और गाड़ी को एक बार गैराज के अंदर करके मैं देखता हूँ कि गैराज के अंदर गाड़ी खड़ी होगी कैसी लगेगी। पर मुझे अभी लग रहा है इनके सर्वर में भाई कोई दिक्कत आ रही है, ये परचेज हो ही नहीं रहा अभी गाइस, परचेज हो नहीं रहा है। मुझे लगता है ना इनके सर्वर में कोई दिक्कत आ रही है। हो गया, पहले लग रहा था कि सर्वर में गाइस कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बट फिलहाल नहीं है कोई प्रॉब्लम। ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर स्पेशल व्हीकल्स कैन ऑल्सो बी कलेक्टेड हेयर, ओके। तो स्पेशल व्हीकल्स गैराज परचेज्ड, तो थोड़ा सा इनके सर्वर में दो दिक्कत आ रही थी मेरे को लग रहा था, तो वो ठीक हो गई है। चलो फाइनली हमने गैराज तो परचेज कर लिया है, अब गाड़ी को लेकर चलते हैं घर। क्योंकि मैं पहले बहुत दिनों से सोच रहा था कि गैराज परचेज करना है, वो फ़िलहाल आज तुम्हारे भाई ने कर ही डाला, ठीक है दोस्तों। चलो गाड़ी चला के एक प्रीमियम फील तो देखो आती है, क्या हाथ में तुमने ले रखा है भाई कुछ, ठीक है। बाय सम कार्स एट लेजेंडरी मोटरसॉफ्ट .net, ठीक है बढ़िया। तो हम गाड़ियाँ वहाँ से परचेज जो है दोस्तों कर सकते हैं। खैर मुझे पता नहीं चला था इसके अंदर इतनी पावर होगी। खैर जिमी बेटा कोई बात नहीं, अपने पापा को माफ़ कर देना, तेरे बाप ने तुझे ऐसी गाड़ी ला कर दी। खैर चलो कोई बात नहीं दोस्तों, जिमी माफ़ कर देगा दोस्तों हमें। I'm still alive, in case you're wondering. तो चलो गाइज अब हम अंदर चलते हैं, और जिमी को मैं चाबी वगैरह दे देता हूँ उस गाड़ी की। ए जिमी पुत्र ले बेटा, तेरे लिए मैं एक गाड़ी लेकर आऊँ। तो दोस्तों चलिए चलते हैं जिमी के साथ। अब जिमी लेकर जाएगा इस गाड़ी को बाहर, और हम देखने वाले हैं अब जिमी कैसे इस गाड़ी को टेस्ट वगैरह करता है, और हाल फिलहाल अगर मॉडिफिकेशन करवाने की भाई सोचेगा तो फिर कर सकता है, अगर मॉडिफिकेशन करवाने की सोचेगा तो, ठीक है दोस्तों। तो चलो आ जाओ बेटा जिमी। ओ गाइस जिमी भाई यहाँ पर आ चुका है, और अब इस गाड़ी को टेस्ट करेगा जिमी अपने हिसाब से। जिमी ने जो भाई हल्की सी यहाँ पर अभी पहले
ठीक करवाओ। ये गाड़ी अभी जो इसके पिताजी ने, भाई माइकल दादा ने, जो गाड़ी को टोरा सा थोक दिया था, ठीक है। तो चलो कपड़े वपड़े तो पहन लिए, अब देखते हैं भाई गाड़ी को चला करके दोस्तों कार रियलिटी में कैसी चलती है, ठीक है। तो चलो अलॉयज दो, सब कुछ सही है। यार जिमी कुछ ज़्यादा छोटा नहीं है भाई गाड़ी चलाने के लिए, पर ये हमेशा बोलता रहता था अपने पापा को कि गाड़ी दिलाओ गाड़ी दिलाओ। चलो पहले इस निसान GTR की है ना हाईवे पर लेकर चलते हैं, इसकी टॉप स्पीड चेक करते हैं कि कितना भागती है भाई, है ना। अभी अभी तो जिमी को मिली है। ओ माय गॉड, बढ़िया बढ़िया चल रही है गाड़ी। जिमी को कार चलानी आती है, मुझे तो पहले लगता था कि जिमी को कार चलानी नहीं आती है, पर भाई आती है। देखो जिमी को भी कार चलानी। शिट 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 शिट, यार जिमी तो अपने बाप से भी गया गुजरा है, नई गाड़ी कैसी तैसी कर दी लोगों ने। तो निसान GTR बिल्कुल भाई नई थी। शिट यार, अब बोलूँ भी तो क्या बोलूँ ऐसे लोगों को। ये कौन है पूछो। Hey, what's up, homie? Oh, बढ़िया। हटते ही तो। साले रुक जा। तू ज़ॉम्बी बनेगा? आया बड़ा। हमें मारेगा दोस्तों ज़ॉम्बी बनके। भाई जिमी भी खतरनाक हो रहा है क्या? जिमी भी खतरनाक हो रहा है भाई। बिल्कुल अपने बाप पे गया है। जैसा बाप वैसा बेटा। Hey, screw this. इसने निशान GTR की तो भाई ऐसी तैसी मार दी, ऐसी तैसी मार ही दी इनने तो। इसीलिए तो मुझे ख्याल, मेरे ख्याल से इसका बाप इसको गाड़ी दिलवा नहीं रहा था। शिट 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 शिट। पर भाई निशान जो है ठीक हो जाएगी, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर एक बंदा है जो कि बिल्कुल इन गाड़ियों को एकदम चकाचक कर देता है, ऑटोमोबाइल्स वाला। शिट शिट शिट। चलो तो गाइस, चलो पहले हमें इस गाड़ी को फिक्स करवाना पड़ेगा, तब हम इस कार को लेकर चलते हैं जो लॉस सैंटोस इंटरनेशनल हाईवे पर। व्हाट्स अप गाइस, यहाँ पर जो है भाई जिमी ने गाड़ी की मॉडिफिकेशन तो करवाई है। अभी पहले मैं सोच रहा था कि भाई जिमी जो है एकदम नॉर्मल सी मॉडिफिकेशन करवाने वाला है, बट ऐसा नहीं भाई। इसने जो है इसने पहले से ही सोच रखा था कि फ्रंट की ग्रिल चेंज करवाएगा, ठीक है। ये दोनों की, एक हेडलाइट फूट गई थी और दूसरी फूटी गई थी, तो दोनों हेडलाइट नहीं डली है, ठीक है। साइड में बम्पर की एक एक्स्ट्रा बॉडी किट लगी है कार के साथ, आगे पीछे दोनों तरफ एक बहुत ही बड़ा सा स्पॉइलर लगाया भाई गाड़ी के ऊपर, ठीक है। और अलॉय व्हील्स भी नए डलवाए भाई, अंदर से इंटीरियर का भी काम करवाया भाई। भयंकर लग रही है भाई अब गाड़ी दोस्तों। अब ना अब कह सकते हो तुम भाई से निसान GTR है भाई, है ना। अब इसकी टॉप स्पीड चेक करने में दोस्तों मज़ा आएगा, जहाँ तक भाई मुझे लगता है मज़ा तो आएगा ही आएगा। चलो अब मुझे लग रहा है ना गाड़ी पहले से ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है रोड के ऊपर। अब जिमी ने कहा है कि अब वो बहुत ही आराम से चलाएगा, वो तो इसको चेंज करवानी थी ना, इसलिए तोड़ के इसकी डैमेज की क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी टेस्ट करा था कार की। भाई आराम से चलानी पड़ेगी जिमी बेटे, वरना पप्पा जी दोबारा दिलवाएंगे भी नहीं तुमको गाड़ियाँ। कभी तुम इसको भी तोड़ दोगे और फिर बोलोगे कि भाई गाड़ी दिलवा दो। चलो आराम से आराम से, जल्दबाजी तो भाई है नहीं दोस्तों। टॉप स्पीड तो चेक करने आना है। अब पहले ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा ऊंची थी, अब तो इसने बिल्कुल ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम हो गया, तो इस हिसाब से ना गाड़ी एरोडायनेमिक ज़्यादा बन गई है। भगाओ जितनी भगा सकते हो। कुछ भाई निशान ने बना रखी थी इतनी स्पेशल कार, कुछ जिमी ने बनवा दी अभी से। बढ़िया भाई बढ़िया बढ़िया। चल हट हट हट, ओए ओए, ये कौन है यार? बे कर ले इसे, हट जाओ बे नैनो वाले, ओए नैनो वाले भैया बे हट जाओ यार। इंटीरियर दिखाऊं दोस्तों, ये देखो गजब लग रहा है ना। 220 टॉप है इसकी, टॉप एंड लगाते हैं। ओ ओ आराम से भैया आराम से,
निसान जीटी आ रहा है, आराम से चलेगी भाई, एकदम इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी है गाड़ी के साथ। जी मेरे को तो चलाने भाई मजा आ रहा है। अबे हट जा, ये टॉप एंड लग जाएगी दोस्तों। ब्रेक्स काफी अच्छे हैं इसके, ब्रेकिंग मेरे को बहुत ही प्यारी लगी इसकी। ये लग गई, उस गाड़ी का हाल देख रहे हो भाई क्या बना दिया हमने। असल में भाई सिर्फ बम्पर ही हिला है इसका, वो भी फिक्स हो सकता है, ठीक है, बम्पर ही हिला है वो भी फिक्स हो सकता है हटते ही। तो इसमें भाई आर्मर भी तो लगाया गाड़ी के अंदर, ऐसी थोड़ी दूसरी गाड़ी की ऐसी तैसी हो गई है। इसको रात को टेस्ट करें दोस्तों, भाई साहब रात को उसके DRL कितने गजब लगते हैं ना, गजब लग रही है। पता चलता है कि कोई गाड़ी निकली है आप बाजू से। 370 टॉप स्पीड है इसकी, 370 टॉप एंड है, 370 टॉप एंड है दोस्तों, 370। खैर भाई जिमी के फादर ने इसको एक बहुत ही अच्छी गाड़ी गिफ्ट की है, और मेरे को भी ये कार बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी है, ठीक है। और फादर्स डे पर हम अपने पिताजी को कोई अच्छी चीज़ गिफ्ट करेंगे। हाँ फिलहाल जिमी का भाई दिल बहुत ही ज़्यादा खुश है इस गाड़ी से, और जिमी को तो बहुत ही अच्छी लगी है। खैर आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ एक बार कॉमेंट करके जोर से बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड ऑब्वियसली शेयर कर देना दोस्तों के साथ। तो यार गाइस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।